दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने नई एमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करेगी, जबकि नई हेल्पलाइन 911 नंबर से मुतारिफ करवाई जाएगी। महकमे दाखिला ने हेल्पलाइन के क्याम के लिए 480 मिलियन मांग लिए हैं। हेल्पलाइन पर पुलिस और रेस्क्यू 1122 की मदद ली जा सकेगी, जबकि कोई भी फर्द हेल्पलाइन से पुलिस और रेस्क्यू को बुला सकेगा। हेल्पलाइन लाहौर समेत पूरे सूबे में कायम की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत नई एमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करेगी। नई हेल्पलाइन 911 नंबर से मुतारिफ करवाई जाएगी, जबकि महकमे दाखिला ने हेल्पलाइन के क्याम के लिए 480 मिलियन मांग दिए। हेल्पलाइन पर पुलिस और रेस्क्यू 1122 की मदद भी ली जा सकेगी, जबकि कोई भी फर्द हेल्पलाइन से पुलिस और रेस्क्यू को बुला सकेगा। हेल्पलाइन लाहौर समेत पूरे सूबे में कायम की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत नई एमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करेगी। नई हेल्पलाइन 911 नंबर से मुतारिफ करवाई जाएगी, जबकि महकमे दाखिला ने हेल्पलाइन के क्याम के लिए 480 मिलियन मांग लिए हैं। हेल्पलाइन पर पुलिस और रेस्क्यू 1122 की मदद ली जा सकेगी। कोई भी फर्द हेल्पलाइन से पुलिस और रेस्क्यू को बुला सकेगा, जबकि हेल्पलाइन लाहौर शहर समेत पूरे सूबे में कायम की जाएगी।